मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज परोंठा। अच्छा, सर्दी शुरू हो गई तो अच्छे लगते हैं परोंठे। अमूमन हम बनाते हैं गाजर का, गोभी का, आलू का, तो आज मैं मिक्स वेज परोंठा बना रही हूँ। जो बच्चे सब्जी सुब्जी नहीं खाते, इस तरह आप अपने बच्चों को सब्जियां भी खिला सकते हैं परोंठों में डाल के, और परोंठे बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए मैंने एक आलू लिया है मीडियम साइज का उबला हुआ, 2 चम्मच बारीक प्याज लिए हैं, 2 चम्मच मैंने फूल गोभी को ग्रेट कर लिया है, 2 चम्मच मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, 2 हरी मिर्च हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है। गाजर की जगह आप लौकी भी ले सकते हैं ग्रेट करके, पत्ता गोभी भी ले सकते हैं आप, मटर को भी मैश करके ले सकते हैं आप। मतलब कोई भी वेजिटेबल ली जा सकती है? हाँ, कोई भी वेजिटेबल जो आप खाते हो डाल सकते हैं। ठीक है। और सर्दी में परौंठे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी। और इसके लिए पहले मैं आलू को मैश कर लूंगी, अब इसमें मैं सारी सब्जियां मिला लूंगी, फूल गोभी, हरी मिर्च जो मैंने ग्रेट की थी। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं, अगर नहीं पसंद करते हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकती हैं। बारीक प्याज, जो प्याज नहीं खाते तो वो भी स्किप कर सकते हैं। गाजर है ग्रेट की हुई और हरा धनिया। हम इसमें मूली भी डाल सकते हैं? हाँ, मूली भी डाल सकते हैं, मतलब कोई और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। बनाने के लिए तो अब इसमें मैं लाल मिर्च डालूंगी थोड़ी। मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसमें मैं नमक नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि नमक मिलाऊंगी तो गोभी और गाजर है तो पानी छोड़ देंगे। थोड़ा मिलाऊंगी मैं काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, तो नमक कब मिलाओगे आप? जब हम परौंठा बनाएंगे तो तभी बनाएंगे, चकले पे ही जब रोटी बेलेंगे उसमें डालेंगे हम नमक। ठीक है, तभी इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूँ। अच्छा, अभी इन सबको मिक्स, ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। ओके, मतलब मिक्स करके। हाँ जी, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकती हैं। हम चाट मसाला नहीं डालते, तो मैं नहीं डाल रही, तो आप चाहें तो इसमें यूज कर सकते हैं चाट मसाला। अमचूर का पाउडर भी यूज हो सकता है? अमचूर का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बनाना शुरू करूंगी। इसकी एक लोई लेंगे हम मोटी सी, लगा के हम सिंपल रोटी सी बेल लेंगे थोड़ी मोटी। अब इसमें मैं देसी घी लगाऊंगी। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर घी में परोंठे अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें फिलिंग रख दूंगी ये, और इसमें हम नमक मिला लेंगे। अच्छा, मतलब आपने लास्ट मोमेंट पे नमक डाला? हाँ, लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि गाजर है ना, गाजर पानी छोड़ जाती है। अच्छा, फिर परोंठे के फटने का डर रहता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इस तरह से हमने स्टफिंग तैयार कर ली, और स्टफिंग में ये लोई में स्टफिंग डाल दी। स्टफिंग डाल दी, ठीक है। तो हम परोंठा बेल लेंगे। परोंठा आप जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहे तो बना सकते हैं, पतला भी, पर मोटे परोंठे अच्छे लगते हैं और टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस ऐसे है मोटी। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी परोंठे को। इसी तरह मैं एक दूसरा और परोंठा बना लेती हूँ। परोंठा हमारा सिक रहा धीरे धीरे, और मैं इसमें घी लगा दूंगी। घी में कंजूसी ना करें आप, क्योंकि घी से ही परोंठा टेस्टी बनता है। आग आप थोड़ी सी मध्यम रखें, मीडियम। बट जिन लोगों को घी मना है वो डेफिनेटली घी यूज मत करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है। सेहत सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, तो अगर आप घी अच्छे से खाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा घी यूज करें परोंठे में। अगर आप नहीं खाते तो फिर आप उसी हिसाब से घी यूज करें। अब इसकी साइड चेंज कर दूंगी मैं। पक जाने पे आपको दिखाती हूँ मैं कैसा परोंठा बनता है। साइड चेंज कर, परोंठा देखिए कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है हमारा, तो इसको आउट करने जा रही हूँ। तो ये परोंठा बनके तैयार है।
आप चाहे तो इसे देसी घी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ ट्राई कर सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ, कुछ लोग चाय के साथ परौंठा खाना प्रेफर करते हैं, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसा परौंठा खा सकते हैं। और ये अचार भी घर पे डाला हुआ है, आप चाहें तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इंस्टेंट अचार है ये गाजर का। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।